हेलो गाइस, आज मैं बताता हूँ अपने टाटा इंट्रा V30 में टच स्क्रीन प्लेयर कैसे लगा सकते हैं। तो अभी लगा है 9 इंच का TS7 और इसका कंपनी का है, और एक ऑन कर देता हूँ एक बार। ये ऑन हो गया और जब गाड़ी चलता है तो ये स्पीडोमीटर भी चलता है। अभी बंद है और देखो कितने अच्छे तरीके से फिट हुआ इसमें। बाकी जो ये रहता है ना, ये कटवाना पड़े, यहाँ से इधर से भी कटवाना पड़ा, तभी जाके पूरा फिट बैठा है। देखो अच्छे से है और फुल टच स्क्रीन है, ये एंड्रॉयड का है। दिखा देता हूँ एक बार, देख लो 2 GB रैम है, 16 GB इंटरनल इसका। पूरा यूट्यूब वगैरह सब चल जाता है इसमें। MX प्लेयर वगैरह सब चीज़ डाउनलोड किया हूँ, प्ले स्टोर भी चल जाता है इसमें। EQ का भी है इसमें, और बाकी लेना चाहो तो ले सकते हो, बहुत अच्छा प्लेयर है, अच्छे से चल जाता है। और ये सब चीज़ दिखा देते इसमें, जब गाड़ी चलेगा तो यहाँ सॉन्ग भी प्ले हो जाएगा और ये थीम भी चेंज कर सकते हो, लेकिन अलग से लेने के लिए पैसे लगते हैं उसके लिए। और ये इसका बॉक्स है, ये मेरा पुराना वाला और प्लेयर है, इसमें दिखा देता हूँ आप लोग को। ये देखो इसका फ्यूज़ ख़त्म हो गया ना, उड़ गया, तो एक प्लेयर ही ख़त्म हो गया। बाकी सर्विस सेंटर में दे देंगे तो ये चालू हो जाएगा। वही प्लेयर है TS7 का, ये भी वही है। तो अभी ये बंद है तो इसको सर्विस सेंटर देने के लिए इसको रख दिए हैं। बाकी ये प्लेयर लगा है और ये मेरे को पड़ा है 8,500 रुपये का, लगा के दिया इसको कंपनी वाले ने कार सिंगार में। तो अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, बहुत अच्छा प्लेयर है TS7 का, 2 GB रैम, 16 GB इंटरनल है इसका। टाटा इंट्रा V30 में बहुत अच्छे से फिट हो गया। और इसके साथ ये बॉक्स, और ये साइड डोर में भी लगा है बॉक्स 2 ठो 5-5 इंच वाला, बहुत अच्छे से चलता है। तो अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं नो कॉपीराइट म्यूजिक चला के दिखा देता हूँ आप लोग को।